साक्षी है जगत ओम भूर्भुवस्वरोम ओम शुक्लाम्भरतनम विष्णुम शचिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्याय सर्वविघ्नोपशान्तये प्रणवस्य परब्रह्मर्षिः परमात्मा देवता देवी गायत्री चन्दः प्राणायामे विनियोगः भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहे तन्नो आदित्य प्रचोदयात्। क्रियन्ते हर्निशम्य दासोऽहमिति मामत्पक्षमस्व सुरवन्दिता। क्या डाल दीजिए, अब बच्चे को कलश के पानी से स्नान कराएं। सावित्री मुन्नी को ले चलो। चलो बेटा। गंगे जय मुने जैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे कुंभ कावेरी जलस्थम सन्निधिं कुरु यत्पुरुषेण हविषा देव यज्ञपतं वद वसन्तो अस्कासि राज्यं ग्रीष्मं कृतश्रद्धवे युभं भवतु। स्वामी जी गोदान स्वीकार कीजिए और हमें सुखी जीवन का आशीर्वाद दीजिए। अंगारक निवारणार्थं गोदानं करिष्ये विकृत्वा। स्वामी जी आपने जैसा कहा हमने ग्रह शांति पूजन करा दिया, अब इन्हें कोई कष्ट तो नहीं होगा ना? वैसे तो कोई कष्ट नहीं है, मेरा आशीर्वाद इनके साथ है, मगर फिर भी इन्हें एक साल तक सावधान रहना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? आपकी पोती मूल नक्षत्र के दूसरे चरण में पैदा हुई है, इसलिए इसके पिता पे ग्रहों की वक्र दृष्टि रहेगी। शांति पूजा करने के पश्चात भी इस दोष से पूर्ण मुक्ति संभव नहीं है। क्यों स्वामी जी, हमारी पूजा में कोई कमी रह गई है क्या? जी जी ऐसी बात नहीं है बेटी, जगत को प्रकाशित करने वाले सूर्य और चंद्र को भी ग्रहण लगता है, उसे मुक्त होने में कुछ समय लगता है, फिर हम तो साधारण मनुष्य हैं, हमें एक साल तो लगेगा ही। जिस प्रकार गर्म पानी के ठंडा होने पे उसका दोष समाप्त हो जाता है बेटी, उसी प्रकार ये दोष भी समाप्त हो जाएगा।
सावित्री रो क्यों रही हो? देखो हम जो कर सकते थे हमने किया, आगे भगवान की इच्छा। हाँ बेटी, श्रद्धा भक्ति से माँ शक्ति की पूजा करो, वो बहुत दयालु है। वो सारे दोषों का निवारण करने वाली, सभी सिद्धियों को पूरा करने वाली वही चक्रधारिणी माँ है। उन पे विश्वास जो करता है, कल्याण उसका वो करती हैं। घबराने की कोई बात नहीं, उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार पंडित जी। प्रणाम। हे मुन्ने। बाबा ये सब क्या है? क्यों बोले तो खाने के लिए है ना। हाँ बेटी, खाकर हजम करने के लिए। ओ, हजम करने के लिए। पिछली बार का तो चूहों ने खाया, पूछ लो। रास्ते चलते लोगों को बुला बुला कर खिलाया हमने, पूछ लो। क्यों बेटी, दामाद जी सच कह रहे हैं क्या? ओहो सब झूठ है माँ, सबको देने पर खुद को नहीं मिलेंगे, इसकी चिंता हो रही है। पार्वती फिर कब आओगी? सासू जी अगले 3 महीने तक नहीं आ सकेंगे, हॉस्पिटल में बहुत काम है। नानी तुम्हें और नाना आप लोगों को ही आना पड़ेगा, है ना डैडी? यू आर राइट बेबी। ये कैसे हो सकता है दामाद जी, हमारा काम काज तो आप जानते ही हैं। नाना जी लगता है आपको मुझसे प्यार ही नहीं है। प्यार तुमसे नहीं करूंगा तो और किससे करूंगा मैं? बिल्कुल झूठ। मैं सच कह रहा हूँ बेटी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब एक आखिरी सवाल। पूछो पूछो। पत्थर को ऊपर फेंकने पर नीचे ही क्यों गिरता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। नहीं। फिर कैसे बताओ? ऊपर कैच पकड़ने के लिए कोई नहीं है इसलिए। तो मुझसे भी ज्यादा समझदार है राजा। ये सब सामान ले जाकर कार में रखो। ठीक है चलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर अमर, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। बाय द वे रिसर्च कैसा चल रहा है? चल रहा है सर। देखो कैलिफोर्निया मेडिकल सेंटर से लेटर आया है, वो लोग जल्द से जल्द तुमसे मिलना चाहते हैं। 2-3 महीने और रुक जाइए सर, आई विल फिनिश द जॉब। गुड। नवंबर में वर्ल्ड मेडिकल कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उससे पहले हमें थीसिस सबमिट करनी होगी। श्योर सर। बिफोर दैट आई वांट टू गो टू अ डीप जंगल सर, वहां से कुछ डिफरेंट स्नेक्स के पॉइजन लाकर स्टडी करना चाहता हूं, इसलिए If you'll permit me, I'll go tomorrow itself, sir. Permission hai, by all means. Thank you, sir. Savitri! Darling, Savitri! Hey! इतनी रात को पूजा? आज शिवरात्रि है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है जी, मैं तो सुबह की तैयारी कर रही थी। ये सब छोड़िए, आप इतने लेट क्यों हुए? सावित्री आज लेट होने का कारण लाइव रिसर्च नहीं है, मैं तो समय से निकला था लेकिन। लेकिन बिल्ली रास्ता काट गई क्या? नहीं, एक एम्बुलेंस आ गई थी। एम्बुलेंस? हाँ, कोई बारात जा रही थी, वैन को लारी ने पीछे से ठोक दिया, 14 आदमी मारे गए, 4 आदमी सीरियस। उस पूरी बारात में सिर्फ दुल्हन और 4 बच्चे थे। बेचारी दुल्हन का रोना मुझसे देखा नहीं गया। ए सावित्री तुम रोने क्यों लगी? हाँ बेचारी एक दिन के लिए भी अपने पति का साथ नहीं पा सकी, लगता है भगवान उसे बहुत नाराज थे। इससे तो अच्छा होता उस बेचारी की शादी ना होती। ए सावित्री तुम्हारे रोने से क्या फायदा, देखो उनकी किस्मत ऐसी थी, बहुत जोरों की भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। मेरा उपवास है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। देखो देखो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, उपवास रखने से तबीयत खराब हो जाएगी, चलो खाना खाओ। आप डॉक्टर हैं इसलिए आपको ऐसा लगता है, लेकिन मैं उपवास रखती हूँ ताकि मेरे पति और बच्चे पर भगवान की कृपा बनी रहे। देखो तुम और तुम्हारा भगवान, मैं बीच में नहीं हूँ। सावित्री कल सुबह मैं जंगल जा रहा हूँ। उसी रिसर्च के लिए जाना है ना, आप मुझे जाकर बैग रेडी करना है, यही ना? सावित्री बिलीव मी ये लास्ट है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, खाना तो खिला दो। ठीक है बैठिए। थैंक यू। आज क्या स्पेशल है? दाल फ्राई और रोटी ना? नहीं दाल चावल है। ए जी दूध पी लीजिए। सुनिए 11:30 बज गए, सोएंगे नहीं क्या? मुझे थोड़ा लिखना है, तुम जाकर सो जाओ, मैं बाद में सो जाऊंगा। गुड नाइट। गुड नाइट।
सुबह जल्दी जाना है ना, 3 बज चुके हैं, सोएंगे नहीं क्या? ओह आई एम सॉरी, भूल गया था। चलो चलते हैं। चलो। मम्मी, 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 मम्मी। मामी, मामी, कहाँ चली गई? सब जगह ढूंढ लिया। क्या मामी, तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ? क्यों बेटी? स्कूल के लिए देर हो रही है, मेरा बैग नहीं दोगी क्या? अरे रे, तुम्हारे डैडी ने जल्दी उठाने को कहा था, जाओ जगा दो। मेरे जगाने से वो नहीं उठने वाले, तुम ही जाके जगाओ। बेटी मैं स्नान कर चुकी हूँ, पूजा के लिए देर हो रही है, डैडी को जगाने जाऊंगी तो मैली हो जाऊंगी, तुम ही जगा दो ना बेटी। तुम जगाओगी तो मैली हो जाओगी, मैं नहीं होंगी क्या? बच्चे भगवान का रूप होते हैं, वो कभी अछूत नहीं होते, जाओ उठा दो ना। एक प्रश्न है। हो गई शुरू। मैं नहीं भगवान पूछ रहे हैं, तुमने तो कहा बच्चे भगवान का रूप होते हैं। पूछो। ट्रेन स्टेशन पर क्यों खड़ी होती है? पैसेंजर उतर सके इसलिए। नहीं। फिर किस लिए? ट्रेन बैठ नहीं सकती इसलिए खड़ी होती है। डैडी मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग। टाइम कितना हुआ है? 8 o'clock। 8 बज गए? अरे हम तो लेट हो गए। कम ऑन कम ऑन चलो। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। लगेज रेडी कर दिया ना? रेडी करके कार में रख दिया है। वहाँ जाकर अपना ख्याल रखना, टाइम पर खाना खाना मत भूलना, हर दिन मुझे फोन करना। ओके। इस सुंदर मुखड़े को मैं भूल सकता हूँ क्या? बाय 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 मॉम। रुकिए सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाय पार्वती, तुम भी हमारे साथ जंगल आ रही हो क्या? अंकल आपका नाम गुंडा नहीं बुद्धू गुंडा होना चाहिए। पार्वती पार्वती, अंकल को ऐसा नहीं कहते, सॉरी बोलो। सॉरी क्यों डैडी? यूनिफॉर्म पहन कर जंगल जाऊंगी क्या? स्कूल जा रही हूँ, इनको समझता नहीं। ओहो आजकल के बच्चे। ठीक है ठीक है, अब तुम स्कूल जाओ। तुम्हारा स्कूल। बाय। बाय अंकल। बाय। बाय डैडी। थैंक यू वेरी मच। देखो बेटा, शाम को मैं नहीं तुम्हारी माँ लेने आएगी। हाँ ठीक है। डैडी जाने से पहले एक प्रश्न। प्रश्न? वो क्या? चूहे की पूंछ क्यों होती है? चूहे को पूंछ? क्योंकि इंसानों को नहीं होती ना। गलत गलत, इसलिए कि मर गया तो पूंछ पकड़ के फेंकने के लिए। यू नॉटी। मेरी चॉकलेट कहाँ है? हेलो पपी दो। हेलो चॉकलेट। थैंक यू। बाय बाय बाय। सब आया, 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 आया,
क्या साहब, हरदम तो आप अकेले आते थे, लेकिन इस बार ये पूछ क्यों लेकर आए? तुम अच्छे हो ना? मैं अच्छा हूँ। पूछ रहने से इंसान कुत्ते की तरह वफादार होता है। अब जल्दी से कॉफी पिलाओ। बेटी साहब जी आए हैं, फर्स्ट क्लास कॉफी बनाओ। अरे इधर आओ। पूंछ होती है इसलिए बंदर पेड़ पर रहता है, पर तुम क्यों बंदर की तरह उछल रहे हो? चलो गाड़ी में से सामान लेकर आओ अंदर, चलो जाओ। अच्छा साहब, अभी लाता हूं। ए, साहब कहाँ है? क्यों क्यों, मैं साहब जैसा नहीं दिखता हूँ क्या? पूंछ रखने वाले अगर सब मर्द होते तो मैं बिल्ली से ही शादी नहीं कर लेती क्या? साहब होने के लिए पात्रता होनी चाहिए। वो सब छोड़, नाम क्या है तेरा? अच्छे लोगों के लिए कावेरी, बुरे लोगों के लिए काटेरी। साहब कहाँ है बताओ? पहले मैं हूँ, बाद में साहब। जाओ उधर बैठे। काटेरी है लेकिन काफी अच्छी बनाती है। साहब जी काफी। चल दो। ए गुंडा, दीप जंगल में जाना है, सब रेडी है ना? हाँ सब कुछ रेडी। सर, इस जंगल में हाथी नहीं है क्या? क्यों नहीं है? कहाँ है? मेरे सामने तो है। सर मैं भी आ रहा हूँ सर। ए गुंडा पानी दो। सर सर अभी हमें और कितनी दूर जाना है? 1-2 किलोमीटर और। गुंडा जो खाना तुमको बोला था वो लाया कि नहीं? हाँ वो सब बोल कर बनवा कर लाया हूँ। बोल कर बनवा कर लाया? लेकिन क्या? वही मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, फिश फ्राई पीने के लिए। ए, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैंने काम के लिए जो खाना कहा था वो। वो तो मैंने कब का आपके बैग में रख दिया, सिर्फ अपने खाने का सामान अपने बैग में रखा है। अंग्रेज होते ना वो भी तुमसे हार मान जाते। अब चलो। आपको पता नहीं सर, जंगल में खाना खाने को नहीं मिलता तो गैस ट्रबल हो जाती है। हाँ हाँ, सपेरे को बोल दिया था ना? हाँ वो तो सुबह ही बोल दिया था, वो लोग तो पहुँच भी गए होंगे। संभाल के नीचे खाई है। सर मुझे संभालने के चक्कर में आप खुद मत फिसल जाना। सलाम साहब। सलाम। ए गुंडा इधर आओ। हाँ सर। जरा इसको पकड़ो। ए शंभू इतना साहब पकड़ा? 8-10 पकड़े साहब। देखो गुंडा, हर सांप के रंग का, वजन का और विष की जानकारी बराबर लिखना। हाँ ठीक। चलो सांप निकालो। इस पॉइजन को संभाल कर रख लो, ये लो। शंभू यहाँ से नागतीर्थ कितनी दूर है? यही कोई 4-5 किलोमीटर। तुम हमें वहाँ ले जा सकते? नहीं साहब, मैं नहीं जाऊँगा, वहाँ बड़े बड़े सांप हैं, मुझे उनसे बहुत डर लगता है, मैं नहीं जाऊँगा। इसे पैसे देकर भेज दो, हम दोनों जाएंगे। मैं नहीं जाऊँगा, अगर आपको जाना तो आप नागतीर्थ हो आओ, मैं आपके वापस आने तक खाने पीने का सारा बंदोबस्त करके रखता हूँ। तू भी डरपोगी है, तुझे खाने के सिवा कुछ नहीं सूझता है, चल जा। आप जाकर आइए। ए उठा इसको, जा चल।
नागिनी। नागिनी, हमारी मनोकामना पूरी हुई। हमारी वर्षों की तपस्या का फल आज हमें महाप्रभु ने प्रसन्न होकर दे दिया है। अब हम इच्छाधारी हैं। हम जब चाहें श्रेष्ठ मनुष्य का रूप धारण करके अपने प्रीत और प्रेम के एक एक पल का आनंद उठा सकेंगे, तृप्त हो सकेंगे, है ना नागिनी? हाँ नागेंद्र, आज हमारे जन्मों जन्मों के प्यार का सपना पूरा हुआ। अब जीवन के एक एक क्षण में रोमांच होगा, नहीं चेतना होगी। अब तुम्हें देखकर नाचने का, गाने का, अपने आप को भूल जाने का मन कर रहा है। हाँ नागिनी, अब देर नहीं करेंगे। आज हम दोनों का मिलन होगा, उस अद्भुत सुख की प्राप्ति होगी। आह, जरा सब्र कीजिए नागेंद्र। भावनाओं के सागर में डूबने से पहले मन की दीवार बना लीजिए। कहीं ऐसा ना हो अनजाने में कोई अपराध हो जाए। लेकिन क्यों नागिनी? हमारे मिलने के लिए ये मुहूर्त ठीक नहीं है। बिना मुहूर्त के कोई भी काम मंगलदायक नहीं होता है, इसीलिए। इसका मतलब हमारा मिलन अगले जन्म में होगा? नहीं, मध्य रात्रि में। क्या ये सच है? कल की रात पूर्णिमा की रात है। नीले आकाश के नीचे हरी भरी घास के ऊपर चांदनी रात में फूलों की सजी सेज पर हमारा मिलन होगा। न मनुष्य ने किया हो न देवताओं ने, ऐसा अद्भुत मिलन होगा अपना। मनुष्य रूप में अपने मिलन को देखकर सारी सृष्टि शर्मा जाएगी। Thank you.
तुम्हारा मन में बसा के पूजा है बस एक तुझे। नागिन हूँ मैं और है नाग तू, करे शुभ चुंबन पूनम रात है, साथ तेरा न छूटे हाथ तेरा न छूटे, साथ तेरा न छूटे हाथ तेरा न छूटे। नमस्कार साहब जी। गाड़ी किसकी है? रेंजर साहब आपके दोस्त आए हुए हैं। वो कब आए? रात में ही आए, आपका इंतजार कर रहे हैं। आप कहाँ चले गए थे? नाग तीर्थ चला गया था। नाग तीर्थ? क्या बढ़िया जोक सुनाया, बहुत ही बढ़िया जोक था। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। यार अमर, रात पर रिसर्च किया क्या? हम लोग कब से इंतजार कर रहे हैं। ए गुंडा, एक कॉफी बोलो। साहब के लिए कॉफी। ऐसे क्यों देख रहे हो, हमें देखकर खुशी नहीं हुई क्या? यार अमर, बिना बताए आ गए, बुरा तो नहीं लगा? ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा अब ये बताओ, ये सरप्राइज किस लिए? ये तो हमारी पुरानी आदत है, ये कौन है पहचाना? अरे इसे नहीं पहचाना तूने, 9th स्टैंडर्ड में हमारे साथ पढ़ता था राकेश। अरे इतनी जल्दी भूल गया तू? अरे ये वही है यार जो पैसा कमाने मुंबई चला गया था, बहुत अमीर बन गया है। हाय अमर, मैं तुम्हारे घर गया था, वहाँ पता चला तुम यहाँ आए हो तो पर्सनली मिलकर तुम्हें अपनी शादी में इनवाइट कर सकूं, इसलिए यहाँ चला आया मैं। ओह, शादी कर रहे हो, कांग्रेट्स। थैंक यू। ए अमर, तू कुछ सुस्त लग रहा है, क्या बात है? कुछ भी तो नहीं यार। देख, कुछ तो है, तू हमसे छुपा रहा है। रात भर जंगल में घूम रहे थे, किसी मोहिनी आत्मा ने जादू कर दिया होगा। तुमसे तो वो अच्छी रही होगी। शिव कुमार, कल रात को मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा, विश्वास नहीं होता, याद करके पूरा बदन कांप उठता है। अद्भुत, आखिर देखा क्या? ए कावरी, एक और कॉफी पिला। यार अमर, अच्छा मजाक करते हो, तुम जो भी कहोगे मान लेंगे। हे गुरु, ये कावेरी ठीक ही कह रही थी। हाँ? इस पे जरूर किसी मोहिनी ने जादू कर दिया है। अरे अमर, तुम डॉक्टर हो, आधुनिक और कंप्यूटर युग के, उसमें भी ऐसी बातें करते हो। हाँ? मतलब तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक काम करो, आज रात तुम सब मेरे साथ चलो, वो सांप मनुष्य कैसे बनता है मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वादा करते हो? डेफिनेटली। नहीं साहब जी, अपनी बात साबित करने के लिए आप ये बात क्यों कर रहे हैं? कल रात तो आप किसी तरह से बच गए, वरना आपकी लाश वहाँ होती। हेलो, आप जाओगे यहाँ से?
साहब जी, कल जो आपने देखा वो सच भी हो सकता है, लेकिन जानबूझकर वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। इन लोगों की बातों में आकर आप एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। आप मान जाइए मेरी बात, वहाँ मत जाइए। हेलो, बोल चुके, अब यहाँ से जा सकते हो तुम। कावेरी, चलो बेटी। वाओ, आज हम लोगों की रात की पार्टी जंगल में होगी, एकदम फिक्स है। आ, पर मैं जंगल में नहीं जाने वाला। ए, हम तुझे छोड़ेंगे तब ना। है? अरे छोड़ो सर, भूख लग रही है, नाश्ता करते हैं। चलो भाई, पहले पेट पूजा करते हैं। चलो तुम भी चलो। चलो हम आ रहे हैं। कुमार, ये कावेरी देसी मुर्गी है, जाने से पहले एक बार इसे जरूर खाएंगे। खाने के लिए तुम क्या मुर्गा हो? ए, तुम्हारी शादी होने वाली है, मर्यादा में रहना सीखो। चलो। वो भूतनी नहीं है, वो नागिन है। चलो कम ऑन। साथ तेरा न छूटे, हाथ तेरा न छूटे, साथ तेरा न छूटे, हाथ तेरा न छूटे। राकेश, तुमने गोली क्यों चलाई? अरे क्या बात कर रहे हो यार, अगर मैं गोली नहीं चलाता तो सांप उस लड़की को डस लेता और लड़की मर जाती। वो लड़की नहीं, नागिन थी, जिसे तुमने मारा है वो नागेंद्र था। थोड़ी देर और रुकते तो मानव रूप में दोनों को एक दूसरे से प्रेम करते देखते। हा? सच? ये तुमने क्या किया, बिना सोचे समझे गोली चला दी? देखो, हमें किसी भी तरह उस नाग को ढूंढ कर उसका अंतिम संस्कार करना होगा। कम ऑन सर्च। चलो। नागेंद्र,
नहीं नागेंद्र, भूल हमारी तपस्या में नहीं हुई है, बल्कि उन पांचों के माथे पर लिखी हुई मृत्यु की निशानी है, जिनकी वजह से तुम्हारी मृत्यु हुई, उन पांचों के पत्ते को विधवा कर डालूंगी। हमारे साथ जो अन्याय हुआ, उस अन्याय का बदला मैं तड़पा तड़पा कर लूंगी। आज कसम खाती हूँ उन पांचों से, मैं बदला लेकर रहूंगी। ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। सर, ऐसे सोचते बैठे रहिएगा तो क्या होगा, ये लो एक एक राउंड ड्रिंक लेंगे तो सारी तकलीफ दूर हो जाएगी और नाक का डर भी गायब हो जाएगा। हाँ, चेस। उस दिन मेरी बात सुनते हो तो ये हंगामा नहीं होता, उस नाक का गुस्सा कम होने वाला नहीं है। अरे मैं तो सबको अद्भुत दृश्य दिखाने ले गया था, मुझे क्या पता था कि ये उस पर गोली चला देगा। आकस्मिक हुई घटना के लिए आप लोग खामखा परेशान हो रहे हो, मैंने किया या इसने किया, इस बहस से क्या फायदा। और फिर हमने तो बस एक मामूली से नाक को मारा है, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है। देखो, नागिन 12 साल तक बदला लेती है, ऐसा सुना है। हमने जिसे मारा है वो दिव्य शक्तिशाली इच्छाधारी नाग था। अब नागिन क्या करेगी कोई नहीं जानता। आज के बाद हम लोगों को होशियार रहना पड़ेगा। अमर, उसके बदला लेने तक क्या हम लोग यहीं पे रहेंगे? हाँ, हम सुबह उठकर अपने अपने घर चले जाएंगे, फिर सांप को कहां से हमारा पता चलेगा। सर, हम लोग तो जगह बदलकर कहीं भी सो सकते हैं, पर अपने गांव के सांपों को ये पता चला कि हम उसके फ्रेंड को मारे हैं तो वो हमको छोड़ेंगे क्या? वो उनमें बहुत एकता होती, मनुष्य जैसे नहीं होते हैं। ए, चुप! क्या सांप सांप चिल्लाकर दिमाग खराब कर रहा है? अरे दो तीन सांप और भी मार दिया ना, तब भी कुछ नहीं होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मतलब सांप आने के चांसेस हैं क्या? क्या मालूम, किसको पता। साहब जी, खाना तैयार है, चलिए। एक्सक्यूज मी, एक मिनट रुकना। कम ऑन, चलो। एक बात बताओ, अगर कोई सांप को मार देता है तो वो क्या बदला लेता है? नहीं तो क्या, सबको थोड़ी ही काटेगा, जो मारता है उसी को काटेगा, तेरे जैसा थोड़ी है। मैं सोऊंगा तो वो मुझे भी आकर तो नहीं काटेगा ना। मुझे पूछ लिया इसलिए बच गए, यही बात सांपों के सामने कहते तो वो तुम्हें दिमाग खराब करने के बहाने काट देता। हे भगवान, इधर आओ। क्या है? जरा नजदीक आओ। सुनो, ये लो, रख लो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर सांप यहाँ आए और मेरा एड्रेस पूछे तो मत बताना। बहुत हो गया, चलो खाना खाने। हाँ, मैं भी खाने के लिए, मैं भी चला। हाय, गुड मॉर्निंग। कॉफी साहब जी। थैंक यू। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाय। देखा तुम लोगों ने, किसी को कुछ भी नहीं हुआ ना, मैंने कहा था ना, बेकार में रात को सबको डरा दिया। देखो, या तो हमारी तकदीर अच्छी थी या हमने कुछ अच्छा काम किया है जो हमें कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग निकल चलते हैं। ए गुंडा, चलो। क्यों बुलाया कावेरी? आपके साथ जरूरी बात करनी है, आओ ना। जल्दी आइए। आइए ना, आइए। ए कावेरी, ए कावेरी, रुको ना। हम्म।
कावेरी, मुझे यहाँ क्यों लाई हो? बैठिए ना साहब जी, बताती हूँ। साहब जी, आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं क्या? बहुत प्यार है तेरी कसम, इसलिए तो यहाँ चला आया मैं। ये कोई प्यार नहीं है, आशा है। एक ही बात है। बातें अच्छा कर लेती हैं आप। तुम भी कम नहीं हो, सिर्फ बातों में ही स्वर्ग दिखा रही हो मुझे। ऐसे गुस्से से क्यों देख रही हो? मैं तो तेरे प्यार का देवता हूँ ना। नहीं, मैं प्यार की देवता नहीं, मृत्यु देवता हूँ। नहीं, 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 मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। क्या हुआ, डर लग रहा है? ये डर मेरे नागेंद्र को मारते वक्त कहाँ गया था, बोलो। देखो, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा नागेंद्र है, तुम्हें डस लेगा सोचकर गोली चला दी थी। मुझे मत मारो प्लीज। मेरे प्यारे नागेंद्र को मारने वाले तुम जैसे राक्षस को जिंदा छोड़ दिया तो पूरे नागकुल का अपमान होगा। तुम्हें तड़पा तड़पा कर तिल तिल कर मारूंगी, तब जाकर मेरे नागेंद्र की आत्मा को शांति मिलेगी। पांडू साहब जी, सब लगेज गाड़ी में रख दो। राकेश जी अभी तक सामान पैक नहीं किए, रूम का दरवाजा भी खुला है, पता नहीं कहाँ है। क्यों, वो कहाँ चला गया? मैंने उन्हें कावेरी के साथ जंगल में जाते हुए देखा है। ए, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं सुबह से यही हूँ। जी हाँ, ये तो सुबह से मुझे ही देख रही है। क्या मतलब? मेरा मतलब चाय कॉफी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी कोई जुड़वा बहन है क्या? नहीं, मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। अच्छा, लगता है ड्राइवर की आँख खराब हो गई है। ए, सच सच बता, तूने किसको देखा था? नहीं साहब, मैंने इसी को देखा, ये हंसते हंसते उनके साथ बातें करते हुए जा रही थी। शिव कुमार, ये कह रहा है कावेरी इसके साथ गई। कावेरी कह रही है वो यही थी, समथिंग इज रॉन्ग। चलो देखते हैं। राकेश कुमार, आखिर वो कहाँ गया है? चलो उस तरफ चलते हैं। राकेश, गुरु राकेश, 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 सर, क्या हुआ राकेश सर? राकेश क्या हुआ सर? क्या हुआ आपको सर? राकेश, आखिर कावेरी के वेश में आकर उसने मुझे डस लिया। राकेश, राकेश, अमर, सॉरी कुमार, इज नो मोर, गलती इसी की थी।
होशियार रहने को कहने के बाद भी लड़की के चक्कर में पड़ के अपनी जान दे दी। अपनी शादी में हम सबको बुलाने के लिए आया था ये, कुछ देर पहले ये हमारे साथ था, अब ए अमर, हम उस नागिन को ढूंढ कर हम उसे जान से मार देंगे, उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जान से तो तब मारेंगे ना जब वो हमारे हाथ लगेगी। साहब ने तो पहले ही कहा था कि वो कब आएगी, किस भेष में आएगी, कुछ नहीं कह सकते। देखो सबसे पहले इसे जंगल से ले चलते हैं। चलो उठाओ इसे, चलो उठाओ। सॉरी फ्रेंड्स, जो होना था वो हो गया। आज के बाद वो नागिन कौन से समय किस रूप में आएगी कहा नहीं जा सकता। अब हम लोग होशियार रहना होगा। बाय। माँ, माँ आ गए बेटा। घर से बाहर जाते ही माँ को भूल जाते हो, एक फोन तक नहीं किया। फोन करने ही वाला था माँ, लेकिन लेकिन क्या? वो क्या है माँ, मेरा एक फ्रेंड बॉम्बे से आया था, वो गुजर गया। गुजर गया? लेकिन कैसे? सांप ने डस लिया माँ। मैं समझी नहीं। हुआ ये माँ, हम लोगों ने जंगल में इच्छाधारी नाग नागिन को देखा, उसने गलती से उसे गोली मार दी, इसलिए नागिन गुस्से में उससे बदला लेने के लिए उसे डस लिया। ए जी, पंडित जी ने हमें एक साल तक सावधान रहने को कहा था। सांप को मारना तो वैसे ही पाप होता है, पर आप लोगों ने तो दिव्य इच्छाधारी नाग को ही मार दिया। अब मैं क्या करूं? लेकिन इस पाप से मुक्ति पाने के लिए हम लोग कल ही नाग देवता के मंदिर जाकर दूध का अभिषेक करेंगे। सावित्री, मुझे कुछ नहीं होगा, हिम्मत से काम लो। कैसे हिम्मत रखूं? मैं कहती हूं आप ऑफिस से भी छुट्टी ले लीजिए। मैंने कहा ना, उस सांप को मैंने नहीं मारा। तो भी आपने गलती तो की है। अब छोड़ो भी, भगवान से माफी मांग लूंगा। देखो आज के बाद पार्वती का ख्याल रखना। देखा ना, गलती नहीं होने पर भी आपको कितना डर लग रहा है, इसलिए कह रही हूँ मंदिर हो आते हैं। ठीक है, तुम कहती हो तो चले जाएंगे, ओके ना? लेकिन कब? अगले महीने। अगले महीने? हाँ, वो इसलिए कि रिसर्च का काम अधूरा है, कॉन्फ्रेंस का दिन भी नजदीक आ रहा है। मैं कुछ नहीं जानती, आपको मंदिर आना पड़ेगा। सावित्री प्लीज, सावित्री, सावित्री, मैंने कभी तुम्हारी बात टाली है? देखो मेरी परेशानी समझो, हम जाएंगे, जरूर जाएंगे। Smile, please. Okay. गुरु। Sorry. Okay, okay. तुमने मुझे अर्जेंट बात करने के लिए यहाँ बुलाया, अब बताओ क्या बात है? मेरी दीदी लड़का देख रही हैं। अच्छा, तुम्हारे जीजा जी कहाँ गए? अरे वो कहीं नहीं गए, घर पर ही हैं। वो लड़का देख रही हैं मेरे लिए। ठीक है, लड़का अच्छा हो तो कर लेना। गुरु तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मेरी तो जान जा रही है, अगर मैं मंगलसूत्र पहनूंगी तो सिर्फ तुम्हारे हाथों से, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। हे हे, ऐसा हरगिज मत करना, तुम्हारे गले में मंगलसूत्र मैं ही बांधूंगा, हम कल ही मंदिर में शादी कर लेंगे। ओके रियली? थैंक यू। ओके अपना ख्याल रखना। ओके तो अब चले। ओके देखो किसी से कोई झगड़ा मत करना, और हम कल शादी कर रहे हैं, इस बारे में किसी से कुछ मत कहना, कल सुबह 7 बजे तैयार रहना। ओके ओके बाय बाय। क्या बात है, लगता है कहीं जाने की तैयारी है। मेरे सारे के सारे फ्रेंड्स आज हिल व्यू पे आ रहे हैं, मैं भी वहीं जा रही हूँ। क्या है वहाँ पे, कुछ खास है क्या? यस, वेरी इम्पोर्टेंट, मुझे अर्जेंट 50,000 रुपए चाहिए, क्योंकि आज बैंक हॉलीडे है। 50,000 किस लिए?
ये बात आज तक मुझे मेरे बाप ने नहीं पूछी, तुम क्यों पूछ रहे हो? संगीता, पैसे खर्च करना बहुत आसान है, पर उसी पैसे को कमाना बहुत मुश्किल काम है। मैं भी वहाँ कमाने ही जा रही हूँ। तुम कमाने जा रही हो? हाँ, आज वहाँ प्लेइंग कार्ड टूर्नामेंट है, मुझे किसी भी तरह 1,00,000 रुपए का जैकपॉट जीतना ही है। संगीता, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया, कार्ड खेलना औरतों को शोभा नहीं देता है। नसीहत एक खुद्दार पति ही देता है, घर जमाई नहीं। वो चाहे खुद्दार पति हो या घर जमाई हो, वो औरत के गले में मंगलसूत्र बांधता ही है। मगर मैंने तुम्हें मंगलसूत्र बांधकर बहुत बड़ी गलती की है। हेलो, मुझे पैसे चाहिए बस, समझे? ठीक है, देता हूँ, ये लो 50,000। अरे बेटा, लड़की की मर्जी के खिलाफ उसकी दीदी और जीजा उसकी शादी कैसे कर सकते हैं? वो इसलिए क्योंकि उसके भविष्य के बारे में कोई भी फैसला करने का अधिकार उन्हें ही है, ऐसा वो सोचते हैं। इसका मतलब तुम उसके प्यार और विश्वास को तोड़ दोगे? देखो माँ, तुमने तो पहले ही उसे इस घर की बहू मान लिया है ना, इसलिए कल मैंने एक मंदिर में अपने सारे दोस्तों को बुलाया है, हम वहीं शादी कर लेंगे। हाँ, ए मीना। आओ मीनाक्षी, बैठो, हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। माँ जी, मेरी दीदी और जीजा जी ने मुझे रूम में बंद कर दिया था, मैं किसी तरह वहाँ से भाग कर आई हूँ। अब अगर आपने स्वीकार नहीं किया तो मैं किसी नदी या कुएं में डूबकर अपनी जान दे दूंगी। ये कैसी बात कर रही हो बेटी? एक लड़की जब अपने पति के घर जाती है तो वहाँ सुख शांति से रहूंगी ऐसी आशा लेकर आती है, मगर तुम तो मरने की बात कर रही हो। देखो, आज के बाद इसे अपना ही घर समझो। आओ। अब क्या सोच रही हो बेटी तुम? मैं तो तुझे इस घर की बहू मान चुकी हूँ। जाओ, मेरे कमरे में जाकर सो जाओ, मैं गुरु को ये दूध देकर आती हूँ। माँ जी, मुझे दीजिए, मैं लेकर जाती हूँ। वैसे भी तुम गुरु की होने वाली पत्नी जो हो, लो। जी, न जाने क्यों मुझे घबराहट हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो, अब तुम मेरे घर में हो, कल अपनी शादी हो जाएगी, उसके बाद तुम्हारी दीदी जीजा कोई कुछ नहीं कर सकते। अब तुम बालिग हो चुकी हो, अपनी मर्जी से शादी कर सकती हो। फिर भी मेरा दिल धक धक धड़क रहा है, तुम खुद ही सुन लो। ऐसा क्या? सुनो ना। क्या हुआ, तुम खड़े क्यों हो गए? देखो, तुम्हारा दिल तो धक धक कर रहा है, मगर तुम्हें यहाँ देखकर मुझे कुछ कुछ हो रहा है। एक काम करो, तुम सीधे जाकर माँ के कमरे में सो जाओ, समझी? समझ गई। पहले ये दूध पी लो, फिर मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। गुरु, ए, ये क्या है मीनाक्षी, भला इस संसार में कोई हाथ पैर बांधकर प्यार करता है क्या? गलती हो गई, सॉरी, मगर मैं यहाँ तुमसे प्यार करने नहीं आई हूँ, तुम्हारी जान लेने आई हूँ। तो तुम? हाँ, क्यों डर लग रहा है? मौत को सामने देखकर कैसा लगता है, इसका पता तुम्हें अब चल रहा है? मुझसे डर लग रहा है? हाँ, देखो देखो, मैं बेकसूर हूँ, प्लीज, कल मेरी शादी होने वाली है, मुझे मत मारो, प्लीज, मुझे मत मारो। मैं और नागेंद्र भी गंधर्व विवाह करने वाले थे, मगर विवाह से पहले ही तुम लोगों ने मेरे प्यारे नागेंद्र को मार डाला।
औरत से सिर्फ सुख की आशा करते हो मगर औरत जान भी ले सकती है। जंगल से भागकर तुम लोगों ने सोचा कि तुम बच गए, मुझसे बच गए, मगर ये सब तुम लोगों की भूल थी। मैं हमेशा तुम्हारे पास थी। आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। देखो मैं तुम्हारा काल हूँ। मीनाक्षी कहाँ चली गई है? अरे तुम बाहर कब चली गई? मतलब मैं अंदर थी कब? रात को। माँ जी ये आपका भ्रम है। कल रात तो गुरु ने खुद मुझे घर छोड़ा था और सुबह तैयार होके आने के लिए कहा था। तुम कल रात अपने ही घर पर थी? बिल्कुल। कहीं गुरु? गुरु 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 देखिए माँ जी इनके पैर बंधे हैं। ये सब क्या हो गया? चेहरा भी नीला पड़ गया है। इसके मुंह से तो फेस निकला हुआ है। माँ जी देखो इसको सांप ने काटा है। इसको तो सांप ने काटा है। गुरु गुरु मेरा बेटा। माँ जी गुरु 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 हम लेट हो गए हैं। वो मंदिर तो नहीं चला गया? हम जो शादी का हार लाए वो वेस्ट तो नहीं होगा? वेस्ट नहीं होगा। आओ। हाँ चलो चलो गुरु सर। देखो ना बेटा तुम लोगों को शादी में बुलाकर खुद ही चला गया। माँ जी ये हुआ कैसे? वो नागिन कल रात को इसके रूप में आई थी। मेरा अरे संगीता तुम और मंदिर में ऐसा लग रहा है अमावस में चांद निकल आया हो। क्यों सावित्री मुझे देखकर मजाक सूझ रहा है? नहीं बहन बहुत खुशी हो रही है। आखिर इस बदलाव का कारण क्या है जान सकती हूँ? देखो सावित्री अब तक मैंने जिंदगी में सिर्फ अपने सुख और खुशी के बारे में सोचा, दूसरों की खुशी के बारे में कभी भी नहीं सोचा मैंने। दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी होती है ये मैं नहीं जानती थी। आज मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ है। कुछ खो जाने पर ही उसकी कीमत का एहसास होता है। मीनाक्षी ने तो अपने होने वाले पति को खो दिया। कल को अपने पति को खोकर मुझे भी रोना ना पड़े इसलिए मैं इस मंदिर में आई हूँ। इतने दिन तक मेरे ये हाथ पैसा खर्च करने, कार्ड खेलने और खाना खाने के लिए थे। चुटकी बजाकर ऑर्डर करने पर मुझे सब कुछ मिल जाता था मगर आज मैं भगवान से हाथ जोड़कर अपना पति मांगना चाहती हूँ। कितनी खुशी की बात है संगीता। सब कुछ खोकर रोने से अच्छा है कि हम उसे बचाने का प्रयत्न करें। भगवान के घर आई हो भक्ति से मांगो तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे। हम दोनों का कष्ट तो एक ही है ना सावित्री। हम दोनों एक ही नाव पर सवार हैं। अगर कुछ अनहोनी हुई तो हम दोनों का संसार उजड़ जाएगा। हमें किसी भी तरह उस नागिन को रोकना ही होगा। अपने पतियों की रक्षा करनी होगी हमें। पूजा के लिए देर हो रही है चलती हूँ।
हमें किसी भी तरह उस नागिन के प्रकोप से अपने पतियों को बचाना होगा। देखो बेटी, एक साल तक होशियार रहने के लिए मेरे भाई ने तुम्हें पहले ही कहा था। एक दोष खत्म होने से पहले ही एक और पाप अपने सर ले लिया। हाँ, ये सब माँ की महिमा है। इस भयानक पाप के प्रायश्चित के लिए एक व्रत प्रारंभ करो, उसके आगे माँ की इच्छा। कहिए स्वामी जी, मैं कौन सा व्रत करूँ? आने वाले शुक्रवार को षष्ठी है, स्वाति नक्षत्र भी है। उस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके 21 अलग अलग कुओं से 21 कलश शुद्ध जल 21 सुहागिनों से मंगाकर उस देवी ललिता परमेश्वरी के नाम पर 21 कलश की स्थापना करके सहस्त्र नाम का जाप करो। इस व्रत को इस प्रकार करने से 21 दिन में निर्विघ्न रूप से करने पर तुम्हारे सारे दोष दूर हो जाएंगे और तब उस नागिन से न तो तुम्हें न तुम्हारे सुहाग को और न ही तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को कोई खतरा होगा। इस प्रकार तुम्हारा सुहाग भी सदा सलामत रहेगा बेटी। स्वामी जी, आप जैसा कह रहे हैं ऐसे 21 दिन व्रत रखने से मेरे पति पर आया हुआ कष्ट सचमुच दूर हो जाएगा ना? देखो बेटी, ऋषि मुनियों ने कहा है, श्रद्धा और भक्ति हो तो पत्थर में भी भगवान है। आज से तुम भी उस देवी की श्रद्धा और भक्ति से जैसे मैंने बताया उसी प्रकार पूजा करो, सब ठीक हो जाएगा बेटी। ठीक है स्वामी जी। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, उस देवी की कृपा तुम पर सदा बनी रहे। धीरज रखो बेटी जी। आचमन्यानन्तरम्
कौन हूं तुझे नहीं पता चला? नागिन, तेरे पति देव की मौत हूं मैं। तू ये पूजा पाठ और व्रत करके मुझसे अपने पति को बचाना चाहती है तू? ये सब तेरा भ्रम है, ये बताने के लिए आई हूं। नागिन, हम मनुष्य लोग संतान प्राप्ति करने के लिए नाग देवता की पूजा किया करते हैं, आयुष्य, आरोग्य और समृद्धि पाने के लिए उन्हें दूध पिलाते हैं, नाग देवता को कुल देवता की तरह पूजते हैं। उसी नाग वंश में जन्म लेने वाली तुम हो, इस प्रकार पूजा व्रत में विघ्न डालना गलत है। मैं जैसी सुहागन को सदा सुहागिन होने का आशीर्वाद देने की बजाय विधवा बनाने का प्रयत्न करना बिल्कुल गलत है। मैं और मेरे नागेंद्र के मिलन होने से कुछ समय पहले तुम्हारे पति ने अपने दोस्तों के साथ मेरे नागेंद्र को मारकर मेरे जीवन में अंधेरा कर दिया। मेरे सुख और सपनों को मिट्टी में मिला दिया। ये गलत नहीं है नागिन, नागेंद्र को मारने वाला मेरा पति नहीं है। तुम चाहे जो कहो, मेरा द्वेष कभी कम नहीं होगा। तेरी देव शक्ति को क्षीण करने के लिए तेरी की गई हर पूजा पाठ और व्रत में मैं विघ्न डालूंगी। जितनी जल्दी हो सके मैं तेरे पति पर मौत बनकर छा जाऊंगी। देखो, अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे लेकर सुहागिन और सौभाग्यवती बनी हूँ मैं। मेरी मांग का ये सिंदूर मेरे पति की उम्र को बढ़ाने के लिए है। ये मंगल सूत्र काल को रोकने का शस्त्र है। ये जूड़े का फूल शुभ मुहूर्त का संकेत है। ये बिंदिया काम भावना को बांधने की रस्सी है। ये चूड़ियां सौभाग्य का प्रतीक है। लेकिन तुम सुहागिन से पहले ही विधवा बन गई हो। मैं एक पतिव्रता हूँ, देवी और देवताओं का आशीर्वाद हमेशा मुझ पर रहेगा। तुम मेरे पति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये बात है तो मैं भी देखती हूँ, एक साधारण नारी जीतती है या एक इच्छाधारी नागिन। ए अमर। नमस्कार सर। नमस्कार। बैठो बैठो। यार कुछ परेशान हो क्या? परेशान ना हो तो क्या, एक एक करके सारे दोस्त मारे जा रहे हैं। घर जाओ तो भी टेंशन, ऑफिस में काम करने का दिल नहीं करता। सावित्री ने तो पूरे घर को मंदिर बना रखा है, फिर भी चैन नहीं है। सर ये सब उस नाग को मारने का फल है, अगर इस दोष से निवारण का कोई उपाय मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। यू आर राइट अमर। मैं तुमसे इसी विषय में बात करने आया था। बाबा उड़ानगिरी में एक चमत्कारी तांत्रिक हैं, बहुत ही शक्तिशाली हैं वो। हम सारे लोग मिलकर उनके पास चलें तो शायद उस नागिन के प्रतिशोध से बच सके। छोड़ो यार, मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं। सर विश्वास हो या ना हो, एक बार वहाँ जाके आने से हमें शांति मिलेगी। घर पे सावित्री की बातें, यहाँ आए तो इसकी बकवास। ठीक है।
लोगों ने पाप किया है, जो मरे उन्होंने प्रायश्चित किया, और तुम समाधान ढूंढ रहे हो, यहां आए हो उससे मदद मांगने। हाँ स्वामी जी। नाग दोष का शायद तुम्हें पता नहीं, नाग को मारना तो छोड़ो, उसे मरते हुए देखने पर भी नाग दोष लगता है, और फिर तुम लोगों ने जिसे मारा है वो इच्छाधारी नाग को, देव मानव के रास्ते को किसी को जानना नहीं चाहिए, मगर तुम्हारे ग्रह दोष के कारण ही इच्छाधारी नाग नागिन को मनुष्य का रूप धारण करने का अद्भुत दृश्य तुमने देखा, और उस नागेंद्र की मृत्यु का तुम मूल कारण बने। लेकिन स्वामी जी, जो भी हुआ वो अनजाने में हुआ। अपनी गलती को अनजाने में हुई घटना बताना मनुष्य की आदत है। स्वामी जी, हम सभी लोग आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। शरण में आए हो की रक्षा करना हमारा धर्म है। उस नागिन से बचाने वाला गरुड़ है, उस गरुड़ का आह्वान करके उसकी शक्ति को तावीज में भरकर तुम लोगों को दूंगा। उसे पहनने के बाद वो नागिन तो क्या, कोई और सांप भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। इच्छाधारी नागिन में बहुत अद्भुत शक्ति है, बहुत तुम्हारा पीछा करते हुए यहां तक आ गई है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, इस नागिन का मेरे बंधन से निकलना संभव नहीं है। कल सूर्योदय से पहले तुम लोग आ जाना, मैं गरुड़ शक्ति की पूजा करके तुम लोगों को एक ताबीज दूंगा, हिम्मत रखो। जो आ गया स्वामी जी। ओम गरुडाय नमः।
ओम गरुड़ाय नमः। जब तक ये तावीज तुम्हारे गले में है तुम्हें उस नागिन से कोई भी खतरा नहीं होगा, धैर्य रखो। स्वामी जी अब आ गया। आ जाओ, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम लोगों के साथ है। सच्चिदानंद, गुरुनाथ, गुरुदेव, मैं कुंभ स्नान के लिए जा रहा हूं, जब तक मैं वापस ना आऊं इसकी निगरानी करना। जैसे आज्ञा गुरुदेव। नागेंद्र, मुझ पर कोई कितना भी बड़ा बंधन डाल दे, जिन लोगों के कारण तुम्हारी मौत हुई है उन्हें मारकर मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाऊंगी। ये एक नागिन की प्रतिज्ञा है। ये क्या बेटी, इतना सब कुछ हो गया और तुमने हमें खबर तक नहीं की? देखो बेटी, विवाह के बाद बेटी पराई हो जाती है, ये बात सच है, मगर हम लोगों को इतना पराया भी मत समझो। ऐसी बात नहीं है माँ, मैंने सोचा सब कुछ ठीक हो जाएगा, खामखा आप लोगों को कष्ट क्यों दूं इसलिए। देखो बेटी, जो होना था वो हो गया, अगर हमें पहले बता देती तो पंडित जी से कोई उपाय पूछ लेते। पूछा था पिताजी, मेरे सुहाग की सलामती के लिए पंडित जी ने 21 कलश की स्थापना करके पूजा करने की सलाह दी थी, लेकिन उस नागिन ने मेरे घर में घुसकर मेरे व्रत में विघ्न डाल दिया। मैंने उससे विनती की लेकिन वो नागिन कुछ सुनने को तैयार नहीं है, उन्हें मारने की कसम खाई है। सावित्री, रो मत बेटी, धीरज रख बेटी, धीरज रख मेरी बच्ची। देखो बेटी सावित्री, अगर किसी की जान लेना इतनी आसान बात होती तो इस धरती से इंसान खत्म हो जाते। बदला, द्वेष, ये सब सदियों से चली आ रही बातें हैं। बेटी, डर कर जीना एक बात है, मगर अपने हक के लिए लड़ने वालों का साथ भगवान भी देते हैं, और फिर ये तो तुम्हारे सुहाग की जिंदगी का सवाल है। हाँ, हाँ बेटी, अगर सुहागिन ठान ले तो वो काल से भी जीत सकती है, सावित्री साक्षी है। वही सुहागिन क्रोधित हो जाए तो सृष्टि का विनाश कर सकती है, इस बात की साक्षी माँ काली स्वयं है। बेटी, माँ काली। बेटी, इस लड़ाई में तुम अपने पति का साथ दो। बेटी, ललिता परमेश्वरी का ध्यान करो, वो नागिन तो क्या बेटी, सारे देवता भी अगर तुम्हारे सामने आ जाएंगे तो भी तुमसे जीत नहीं पाएंगे। जी, आज साहब ऑफिस से आधा घंटा पहले ही आ गए। ए, बहुत पक पक कर दिए तू। हाँ, मैं आधा घंटा देर से आऊँ या आधा घंटा पहले, ये मेरी मर्जी है। हाँ, क्या हुआ, अजब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? और नहीं तो क्या,
मुझे घर जमाई समझकर अपमान करते रहती है ना तू? ए जी, आज हुआ क्या है आपको? मैं कौन हूं तू अब तक नहीं समझी? मैं ही हूं नागिन। आज तेरे पति की जिंदगी खत्म हो जाएगी। नागिन, तुझे तो मैं देखती हूं। ये नागिन मेरे पति को मार डालेगी। मुझे अपने पति को बचाना ही होगा। संगीता, क्या बात है? तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है? अच्छा, तो आप मेरे पति का रूप लेकर मुझे दोबारा धोखा देना चाहती हो? संगीता, मंत्र शक्ति का तावीज पहनकर तुमने सोचा तुम अपनी मौत से बच जाओगे? लेकिन मेरी बुद्धि तुमसे कहीं ज्यादा है, ये तुम समझ ही गए होगे। एजी, मैंने ही अपने सुहाग को मार डाला। एजी, अरे बाप रे, भूख के मारे सिर में दर्द हो रहा है, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, अभी तक नहीं आई। गुंडा, तुम तो आज हो जाओगे ठंडा। भाई हो, कब से खाना खाने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सुबह मैंने फोन पर बोला था ना कि हम लोग बाहर खाना खाने जाएंगे, तू कहाँ चली गई थी? बाहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल। कैंसिल? वो क्यों? देखो ना, अपने हाथों से गर्मा गर्म खाना बनाकर लाई हूँ, पेट भर के खाओ, फिर मैटनी शो चलेंगे। मैटनी शो, फर्स्ट शो सब बाद में, पहले जोरों से भूख लगी, जल्दी से खाना खिलाओ नहीं तो मर जाऊंगा। देखा ना, सच बात आपकी जबान पर आ ही गई। क्या मतलब? तुमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, यही कह रही थी। अरे खाना खाने के लिए तो बैठा हूँ, ठहरो दो मिनट, में अभी हाथ धोकर आता हूँ। अपने हाथ का बना खाना खा खा कर थक गया हूँ, आज वो लाई है तो जी भर के खाऊंगा। हाँ, ठहरो ठहरो। तुमने सच कहा था, ऐसा स्वादिष्ट खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। आज के बाद कभी नहीं खाओगे, क्योंकि ये तुम्हारा आखिरी खाना है। हेलो, अमर स्पीकिंग।
एजी, एजी, किसका फोन है? गुंडा और कुमार दोनों मर गए। हे भगवान, देखा मैंने कहा था ना, ये सब उसी नागिन का काम है। अपने आप को संभालो। हाँ। दामाद जी, मेरी बात मानिए, आखिर कब तक ऐसे डर कर रहेंगे? देखो, देवी की कृपा से अपने पास जमीन, घर, पैसा सब कुछ है, जिंदगी भर खाने पीने की कमी नहीं होगी। ऐसे में जान जोखिम में डालकर काम करने की क्या आवश्यकता? मैं जिद पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं जिस रिसर्च पर काम कर रहा हूँ उससे दुनिया में लाखों करोड़ों की जान बचेगी और उससे अपने देश का नाम ऊंचा होगा, मेरा भी नाम ऊंचा होगा। मैं इसीलिए काम कर रहा हूँ। आप जिस तरह लाखों करोड़ों की जान बचाने की सोच रहे हैं, मैं भी उसी तरह आपकी जान बचाने की सोच रही हूँ। एक औरत के लिए संसार में सुहाग से बढ़कर कुछ नहीं। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या जी सकूंगी? देखिए, प्लीज मेरी बात मान लीजिए। ओके ओके, मान लो तुम्हारी बात मानकर कहीं चले जाते हैं, लेकिन वहाँ नागिन न्याय की इस बात की क्या गारंटी है? माँ जी, आप इसे समझाइए ना। मैं भी तो सुहागिन हूँ। माँ अपनी बेटी के आंसू पोंछती है, सिंदूर नहीं। हेलो, अमर स्पीकिंग। ओह आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। ओके, मैं भी निकलता हूँ। ओके बाबूजी, जरूरी मीटिंग है, मैं चलता हूँ। देखा पिताजी, आपकी बात सुनने की भी फुर्सत नहीं उन्हें, अपने ही बात पर अड़े हैं। बुरा मत मानो बेटी, उसे कोई जरूरी काम होगा इसीलिए चला गया। शाम को उसे आने दो बेटी, मैं खुद उसे समझाऊंगा और मना भी लूंगा, ठीक है? सावित्री, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, चलो कुछ खा लो। चलो बेटी आओ। चलो। कहाँ है माँ? अभी तो यही था, मैंने अपनी आंखों से देखा, यही। इसीलिए मैं कह रही थी हम यहाँ नहीं रहेंगे, पर वो मेरी सुने तब ना। हाँ बेटी, शाम को दामाद जी को मैं खुद समझाऊंगा, हम ये गांव छोड़ देंगे, घर छोड़ देंगे। चलो सामान बांधते, चलो। हाँ, चलो चलो चलो। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। देखा पिताजी, कितनी तकलीफ दे रहे हैं ये हमें, इतना कुछ होने के बाद यहाँ रहना ठीक है? अभी फोन करके गाड़ी मंगवाइए, हम लोग ये जगह छोड़कर चले जाएंगे। चलो बेटी, पहले दामाद जी को फोन करके चलो। हेलो। हाँ सावित्री। ए जी, घर में जहाँ देखो वहाँ सांप ही सांप दिख रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतना कुछ होने के बाद भी अगर हम यहाँ रहे तो हमारी जान चली जाएगी, मैं एक पल भी यहाँ नहीं रहूंगी। सावित्री देखो, तुम टेंशन मत लो, माँ बाबू जी है ना? हाँ। और पार्वती? वो अभी स्कूल से नहीं आई। तुम उसे स्कूल जाकर ले आओ, तब तक मैं घर पहुँचता हूँ। ठीक है, आप जल्दी आ जाइए। पिताजी। हाँ? स्कूल जाकर पार्वती को ले आती हूँ, तब तक आप लोग रेडी हो जाइए। जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी चलो। गुड इवनिंग मैडम। स्कूल छूट गया क्या? स्कूल छूटे तो 15 मिनट हो गया,
मेरी बेटी कहाँ है? वहाँ देखिए, अकेले बैठी है। पार्वती, मम्मी क्यों इतना लेट? सॉरी बेटी, मुझे आने में देर हो गई। चलो। सावित्री, सावित्री आइए। दामाद जी, सावित्री स्कूल जाए? अभी नहीं आई। ए जी, हाँ? आप जाकर दामाद जी से गांव जाने की बात कर लीजिए। अरे थोड़ा सब्र करो, सावित्री को आने दो। अभी हमारे दामाद जी बहुत टेंशन में हैं। ए जी, सावित्री, पार्वती कहाँ है? नीचे है। नीचे क्यों है? वो छोड़ो, पहले वो तावीज निकालो, ये तावीज पहनो। वो क्यों? उस तांत्रिक का दिया हुआ तावीज आपके दोस्तों ने भी पहना हुआ था, मगर उस नागिन ने उन्हें मार डाला, इसलिए आप वो तावीज निकाल कर ये तावीज पहनिए। ये तुम्हें किसने दिया? कल मैं मंदिर गई थी, वहाँ ललिता परमेश्वरी के नाम से लक्षासन करके हवन करके सिद्धि किया हुआ तावीज है, ये बहुत शक्तिशाली है। इसे बांधने के बाद अगर नागिन आपके पास भी आएगी तो जलकर राख हो जाएगी। कल अगर कोई इससे ज्यादा शक्तिशाली ताबीज देगा तो उसे भी बांधने के लिए कहोगी? पागल, क्या करूं? कम से कम आज तो मेरी बात मान लीजिए। ये लीजिए, इसे पहनिए। ओ मिनिस्टर कहे तो ना कैसे कह सकते हैं, हम तुम्हारी मर्जी। नागिन, तुम? हाँ मैं हूँ। क्यों, मौत को देखकर डर लग रहा है ना? मैं तेरे नागेंद्र की हत्या का कारण नहीं हूँ, फिर भी तुम मुझसे बदला ले रही है। अगर मैंने चाहा होता तो तुझे कब का मार चुका होता, लेकिन एक बार की हुई गलती को मैं दोहराना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं चुप था। वैसे भी मेरा कर्तव्य है किसी की जान बचाना, जान लेना नहीं। ऐसा है तो मेरे नागेंद्र की जान क्यों नहीं बचाई तुमने? वो मेरे हाथ में नहीं था विधि और किस्मत। मुझे कोई कारण नहीं, तुम्हारी जान चाहिए। नागिन, भगवान के लेने छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। इतनी जल्दी हार गई? सुहागिन की प्रार्थना से तो भगवान भी हार जाते हैं, पतिव्रता स्त्री की कभी हार नहीं होती है, उसमें बहुत शक्ति है। यही कहा था ना, अब कहाँ गई वो शक्ति? हाँ, ये तेरे मंगलसूत्र की शक्ति ही थी जो तुम्हारे पति और मौत के बीच आ गई। लेकिन ज्यादा खुश मत हो, जल्द से जल्द विधवा का रूप धारण करने के लिए तैयार हो जाओ। सावित्री, भगवान पे भरोसा रखो, वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, धैर्य रखो।
ललिता परमेश्वरी अपने इस भक्त की कैसी परीक्षा ले रही हो? सौभाग्य रूपिणी, शांति रूपिणी कहकर पुकारी जाने वाली मेरा सुहाग छीनकर मुझे विधवा बनाना चाहती हो। सिंदूर का श्रृंगार ही चला गया तो मैं जी कर आखिर क्या करूंगी? मेरी ही जान ले लो और तुम तृप्त हो जाओ माँ, तृप्त हो जाओ। सावित्री, ये लो, ये लो। तुम सिंदूर की बात कर रही थी ना सावित्री? इस सिंदूर को प्रतिदिन तुम्हारे पति के माथे पर लगाना, भूलना नहीं। इस सिंदूर की शक्ति से कोई भी दुष्ट शक्ति तुम्हारे पति को छू नहीं सकती। ये सिंदूर तुम्हें मैंने दिया है, ये किसी से ना कहना, वरना इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? मुझे लोग मीनाक्षी, विशालाक्षी, कामाक्षी कहकर पुकारते हैं। और अपने पति के घर से बाहर जाने से पहले उन्हें ये सिंदूर जरूर लगाना। माँ ललिता परमेश्वरी अपनी कृपा बनाए रखना। दादी, मामी कहाँ है? स्कूल के लिए देर हो रही है। और कहाँ, मंदिर गई होगी। चलो मैं छोड़ देता हूँ, चलो। सावित्री मैं चलूं? एक मिनट, ये देवी ललिता परमेश्वरी का दिया हुआ सिंदूर है, इसे माथे पर लगा लो। घर वापस आने तक इसे बिल्कुल नहीं मिटाना। आज के बाद उस नागिन से हमें कोई भय नहीं। हमारे लिए कुमकुम और तुम्हारे लिए? दुश्मन की नजर हमेशा राजा और सैनिक पर रहती है, रथ पर नहीं रहती। हमारे लिए देवी का कुमकुम, तुम्हारे लिए स्वयं देवी खड़ी है। अब चलूं। बाय मामी। बाय बाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन सर। सब रेडी है? रेडी सर। सर कुमकुम। ओह आई एम सॉरी। इस सिंदूर को प्रतिदिन तुम्हारे पति के माथे पर लगाना, भूलना नहीं। इस सिंदूर की शक्ति से कोई भी दुष्ट शक्ति तुम्हारे पति को छू नहीं सकती। नागराजा आदेश दो। ओह।
नागराजा। ओ ओ वी क्लीन हो ओ मायावी प्रचंडा प्रकट हो मायावी प्रचंडा। मुझे बुलाने का कारण, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, बाहर आओ। मैं श्राप ग्रस्त हूँ, मुझे बुराई छोड़, अच्छाई नहीं हो सकती। तुम औरों के लिए बुरी होगी, मेरे लिए नहीं, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी मदद चाहिए। ये लो, इसे लेकर ध्यान मग्न हो जाओ। वही मेरा शत्रु है, मैं उसकी जान लेना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँ? तुम उसकी मौत का सामान बन जाओ, जो दर्द मैं सह रही हूँ उस दर्द का तुम इलाज बन जाओ। इसके लिए मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। जिस औरत में सतीत्व नहीं है, जिस पे भक्ति नहीं है, उन लोगों का मुकाबला करना बहुत आसान है, समझो तुम्हारा काम हो गया। ललिता परमेश्वरी की शक्ति तेरे लिए व्यर्थ है, देख रही ना इस नागिन की शक्ति को,
अब मैं उसे तड़पा तड़पा कर अपने नागेंद्र की मौत का बदला लूंगी। सावित्री, पिताजी, माँ जी, आप लोग यहाँ, क्या बात है? कुछ नहीं। हाँ बेटा, कुछ नहीं हुआ, तुम आराम करो। आप आराम करो बेटा, आप आराम कीजिए। हाँ बेटा, आराम करो, चलो। परमेश्वरी, आप मेरी कैसी परी चले रही हैं? मुझ पे दया कीजिए माँ। बेटी, चिंता मत करो बेटी, तुम्हारा कष्ट मैं जान चुकी हूँ। यह सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है, यह तो दैवी शक्ति और दुष्ट शक्ति की लड़ाई है। नवग्रहों की पीड़ा का समाधान तो देवताओं के पास भी नहीं है। इस कष्ट के समाधान के लिए नौ सुहागिनों से अपने मंगलसूत्र पर हल्दी कुंकू लगवाकर, उन्हें नौ तरह का व्यंजन खिलाकर, दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लो। उनका आशीर्वाद कोटि कोटि देवताओं के आशीर्वाद के समान है। धैर्य रखो बेटी, धैर्य रखो। देवियों, खाना खाइए। हम कोई राक्षस नहीं है जो ये रक्तजन्य भोजन करे। चलो उठो यहाँ से, चलो चलते हैं। नहीं देवियों, रुक जाइए, आप लोग नाराज ना हो, मैं आपको दूसरा खाना देती हूँ। नहीं देवियों, रुक जाइए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। देखिए, मेरा सुहाग खतरे में है। आपने खाना नहीं खाया, पर आशीर्वाद देके जाइए। आइए। लो बेटी, कुमकुम लगाकर आशीर्वाद लो। ललिता परमेश्वरी, कृपा करो, सावित्री सावित्री को आशीर्वाद दो।
तुम्हारे जैसे बदनसीब को आशीर्वाद देने के चक्कर में कहीं हमारे सुहाग पर खतरा ना आ जाए। चलो यहाँ से। चाहिए मत चाहिए सुहाग कीजिए। सुहागिन देवी का रूप होती है। आपका आशीर्वाद पाने से ही मेरे सुहाग की रक्षा हो सकती है। मुझे सुहागिन रहने का आशीर्वाद दीजिए। अपने आप को संभालो बेटी, अपने आप को संभालो। अगर तुम्हें हिम्मत हार जाओगी तो कैसे चलेगा बेटी? सावित्री देखो बेटा, बेटा तुम हिम्मत मत हारो, ये सब माँ की इच्छा है। अपने मन को संभालो बेटा। मन को कैसे संभालो पिताजी? बड़ी श्रद्धा से ये प्रतिष्ठान किया था। अपने सुहाग को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। वो नागिन और उसकी दुष्ट शक्ति मुझे नहीं डरा सकती। क्या बोली तुम मुझसे लड़ेगी? मैं यहाँ आई हूँ तेरे पति को मारकर तेरे सुखी संसार में आग लगाने। तो आगे देना चाहती है ना, और पूजा करती है। ये फूल शुभ संकेत है, ये चूड़ियां सौभाग्य का प्रतीक है ना। ये सिंदूर तेरे पति की आयु बढ़ाएगा। ये मंगल सूत्र उसे काल से बचाएगा। ललिता परमेश्वरी बचाएगी। पूजा करती है। सावित्री सावित्री आंखें खोलो बेटी। तुम ठीक हो ना बेटा? नागिन नागिन मुझ पर दया करो, चाहे तो मेरी जान ले लो, लेकिन उनको छोड़ो, छोड़ दो। मेरा बदला तो तुम्हारे पति के प्राणों से है, तुमसे नहीं। कल अमावस की रात है, इसी रात को तुम्हारे पति ने उसके दोस्तों के साथ मिलकर एक पाप किया था। मेरे प्राणों से प्रिय नागेंद्र की जान ली थी। मैं भी कल ही तुम्हारे पति को मारकर अपना बदला लूंगी। तुम्हारे सौभाग्य को मिटाकर तुम्हें विधवा बना दूंगी। अब तुम्हारे पति की जिंदगी सिर्फ 24 घंटे की है। अपना मंगल सूत्र और सुहाग का जोड़ा उतार कर विधवा की तरह रहने की आदत डाल लो, क्योंकि अब तुम्हारे सुहाग को कोई नहीं बचा सकता। एजी, एजी, उठिए। सावित्री, क्या हो गया तुम्हें? क्या किया मैंने? सब ठीक तो है ना? वो दुष्ट शक्ति आपके अंदर समा गई थी, वही आपसे ये सब करवा रही थी। हाँ दामाजी, सावित्री ठीक कह रही है। अब हम लोगों का यहाँ पे रहना ठीक नहीं है बेटा। चलो बेटा, चलो। चलो बेटा। गाड़ी इतनी तेज से चला रहे, धीरे चलाइए। ए जी, क्या कर रहे हैं? एक्सीडेंट हो जाएगा।
बचाने के लिए मंदिर जाएगी, बुला अपने भगवान को, बुला अपने भगवान को, ए तेरे पति के प्राण इसी घर में जाएंगे। मैं जीत गई, मैं जीत गई। तुम इनकी चिंता मत करो बेटी, हम लोग मंदिर चलते हैं, माँ ललिता परमेश्वरी सब ठीक कर देंगे बेटी, सब ठीक कर देंगे। चलो चलो जल्दी आओ।
परमेश्वरी आदि शक्ति सबकी रक्षा करने वाली कहाँ गई तेरे सामने तेरे भक्त को मैंने खत्म कर दिया। बोल तूने क्या किया? कुछ नहीं कर सकती तू मेरा। श्री ललिता परमेश्वरी, आपके दर्शन पाकर तो मैं धन्य हो गई। मैं अपने नागेंद्र के वियोग में पड़कर क्या खुशी हो गई थी। मुझसे अनजाने में बहुत सारे पाप हुए हैं। मुझे मुक्ति दे दो माँ, मुझे मुक्ति दे दो। Come on.